ये वीडियो देखकर आपको लग रहा होगा कि चांद सच में जमीन पर उतर आया है, मगर असल में ये कोई असली चांद नहीं है, बल्कि ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर द स्फीयर, जिसको बनाने में $2.5 बिलियन से भी कहीं ज्यादा का खर्च आया था, यानी कि इंडियन रुपीज में 18,500 करोड़ से भी कहीं ज्यादा का अमाउंट। और वहीं हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया ने ये बताया कि इतने बड़े स्फीयर के डिस्प्ले को पावर करने के लिए उनके 150 एनवीडिया A6000 GPUs लगते हैं, जिनमें से सिर्फ एक GPU की कॉस्ट ही लगभग 5 लाख के करीब है। मगर भले ही आप इस स्फीयर का इतना बड़ा डिस्प्ले और एक्सटीरियर देखकर ही हैरान हो चुके हों, लेकिन इस स्फीयर के अंदर कौन सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, इसको वीडियो के आगे पार्ट में देखकर आप और भी ज्यादा हैरान होने वाले हो। लास वेगास शहर हमेशा से ही अपने यूनिक और बेहतरीन आर्किटेक्चर के लिए पहले से ही फेमस है। यूं तो लास वेगास अपने कैसिनोज और रिजॉर्ट के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, मगर हाल ही में लास वेगास ने अपनी फेमस वेगास स्ट्रिप के पास एक नया अट्रैक्शन द MSG स्फीयर ऐड किया है, जिसे स्फीयर एट द वेनेटियन रिजॉर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये स्फीयर 112 मीटर ऊंचाई और 157 मीटर विड्थ के साथ दुनिया का सबसे बड़ा स्फेरिकल शेप स्ट्रक्चर होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड रखता है। और इस वेगास MG स्फीयर से पहले ये रिकॉर्ड स्वीडन में मौजूद अवीची एरेना के पास था। ये प्रोजेक्ट असल में 2018 में अनाउंस हुआ था, जो कि इनिशियली एक पार्टनरशिप थी लास वेगास स्क्वायर कंपनी MSG और लास वेगास सैंड कॉरपोरेशन के बीच। हालांकि शुरुआत में इस स्फीयर की कॉस्ट सिर्फ $1.2 बिलियन होने वाली थी, मगर एंड तक आते आते स्फीयर को बनाने में $2.3 बिलियन तक खर्च हो गए। और क्योंकि ये स्फीयर अपने में पहला और यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला था, इसलिए इसको बनाने के लिए स्पेशलाइज्ड टीम और इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए दुनिया की सबसे बड़ी क्रेन यानी DMAX CC 8800 क्रॉलर क्रेन को स्पेशली बेल्जियम से वेगास मंगवाया गया, ताकि वो इस स्फीयर में इस्तेमाल हुए हैवी कंपोनेंट्स को इजीली उठा सके। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये क्रेन सच में इतनी बड़ी है कि इसको असेंबल करने के लिए दूसरी क्रेन का इस्तेमाल किया गया था। इस स्फीयर की सिर्फ रूफ को ही बनाने के लिए 3,000 टन से भी कहीं ज्यादा स्टील का इस्तेमाल हुआ था, जो कि तकरीबन 1500 कार्स के वेट के बराबर है। मगर इस वेगास स्फीयर का एक्सटीरियर स्ट्रक्चर ही है जो इसे दुनिया के सबसे बड़े और अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर में से एक बनाता है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में लगी 1.2 मिलियन LED लाइट्स मिलकर इसके स्क्रीन को बनाती हैं, जिसकी वजह से ही ये MGS स्फीयर इतनी यूनिक और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन अपनी स्क्रीन पर एमिट कर सकते हैं। इसके अलावा 56,000 स्क्वायर मीटर के साथ लास वेगास स्फीयर में लगी डिस्प्ले दुनिया की सबसे बड़ी स्क्रीन है, जो कोई वीडियो तक प्ले कर सकती है। ये इतनी बड़ी स्क्रीन है कि आपको 60,000 से भी कहीं ज्यादा बिग स्क्रीन 55 इंच के LED टीवी की जरूरत पड़ेगी द स्फीयर में लगे स्क्रीन के बराबर डिस्प्ले बनाने के लिए। मगर MGS स्फीयर का ही स्फेरिकल शेप ही है जो इस स्क्रीन को इसकी एक अलग पहचान देता है। इसी वजह से आप इस स्क्रीन को एक ह्यूमन आय, अर्थ, मून जैसे कई मासिव डिजाइन में शिफ्ट होते देख सकते हैं, जिसको देख कर ना सिर्फ व्यूवर्स की नजर इससे बिल्कुल भी नहीं हटती, बल्कि ये स्फीयर काफी सक्सेसफुल इंफ्रास्ट्रक्चर साबित हुआ है लास वेगास के टूरिज्म सेक्टर के लिए। इसी वजह से MGS स्फीयर एक काफी टफ कॉम्पिटिशन साबित होने वाला है दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के लिए, क्योंकि इतने अट्रैक्टिव और यूनिक स्ट्रक्चर को एक जायंट बिलीबोर्ड की तरह एडवर्टीजमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाने वाला है, सेम उसी तरह जिस तरह बुर्ज खलीफा प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट के लिए यूज किया जाता है। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ये स्फीयर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर एक बड़ी स्क्रीन लगी है, बल्कि एक्चुअली में ये स्फीयर एक फुल फ्लेज्ड म्यूजिक और एंटरटेनमेंट एरेना है। और क्योंकि ये स्फीयर लास वेगास में मौजूद है, जो कि पहले से ही म्यूजिक और एंटरटेनमेंट का हब माना जाता है, इसी वजह से इस स्ट्रक्चर को और भी ज्यादा अनोखा बनाने के लिए और व्यूअर्स को एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देने के लिए इस एरेना का अंदर का हिस्सा भी पूरा स्क्रीन से ही कवर्ड है। यानी कि इस मेगा स्फीयर के सिर्फ ऊपर ही नहीं, बल्कि अंदर के हिस्से में भी एक स्क्रीन है, जो कि लगभग 1,60,000 स्क्वायर फुट के बराबर और 16K रेजोल्यूशन तक सपोर्ट करती है। आप लोगों को ये बता दें कि इसके अंदर की स्क्रीन इतनी बड़ी है कि एक एवरेज सिनेमा थिएटर की स्क्रीन भी सिर्फ 1,000 स्क्वायर फीट के ही होती है, यानी कि इसमें लगी स्क्रीन एक स्टैंडर्ड
थिएटर में लगी स्क्रीन से 160 गुना से भी ज्यादा बड़ी है, जो कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी कर्व्ड स्क्रीन बनाती है। आप खाली इमेजिन करो कि आप काश इतनी बड़ी स्क्रीन पर GTA 5 और PUBG जैसे गेम खेल पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस स्क्रीन पर 16K रेजोल्यूशन वाली कोई भी नॉर्मल कैमरे से शूट करी हुई वीडियो इस पे प्ले कर दी जाए, बल्कि MSG टीम ने इस स्पेशल स्क्रीन पर प्ले होने वाली वीडियो क्लिप को रिकॉर्ड करने के लिए एक स्पेशल कैमरा तक डिजाइन किया है, जो न सिर्फ 18K रेजोल्यूशन तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, बल्कि ये कैमरा स्पेशली डिजाइन किया गया है ये वीडियो को स्क्रीन के कर्व के हिसाब से रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि इस एरेना की स्क्रीन ही टॉप नॉच है, बल्कि यहाँ इंस्टॉल ऑडियो सिस्टम भी वर्ल्ड क्लास है, क्योंकि इस स्फीयर के अंदर न सिर्फ 1,60,000 इंडिविजुअल स्पीकर इंस्टॉल्ड हैं, बल्कि इस स्पीकर को इस तरह इंजीनियर करके लगाया गया है कि चाहे आप इस एरेना में किसी भी हिस्से में बैठे हों, आपको हर जगह एक जैसी ही ऑडियो सुनने को मिलेगी। तो आप खाली इमेजिन करो कि आप अपने कौन से फेवरेट आर्टिस्ट का लाइव कॉन्सर्ट इस एरेना में सुनना पसंद करोगे। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये स्पीकर्स अलग अलग रोज में अलग अलग लैंग्वेजेस में एक ही टाइम पर ऑडियो प्ले कर सकते हैं, यानी कि आपकी रो में आप भले ही हिंदी में ऑडियो सुन रहे हो, मगर आपकी नेक्स्ट रो में ही कोई स्पेनिश में ऑडियो रिसीव तक कर सकता है। यानी कि अगर ढिंचक पूजा ने कभी इस एरेना में लाइव परफॉर्म कर लिया तो उसे इंटरनेशनल स्टार बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। वेगस स्फीयर स्टैम पर 17,500 सिटिंग कैपेसिटी और 20,000 स्टैंडिंग स्पेक्टेटर्स को होल्ड करने तक की कैपेसिटी रखता है। इसके अलावा सिर्फ ये नहीं है कि वेगस स्फीयर को सिर्फ लाइव कॉन्सर्ट और 4D शोज के लिए ही यूज किया जाएगा, बल्कि इस वेन्यू को अवार्ड शोज, प्रोडक्ट लॉन्चेस और ई स्पोर्ट टूर्नामेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है। और इस स्फीयर के क्रिएटर्स सेम इसी तरह के स्पेयर्स लंदन और वर्ल्ड में और दूसरी जगहों पर भी बनाने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि इतना बड़ा और यूनिक प्रोजेक्ट बने और वो क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सी से ना घिरे, शायद ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जी हाँ, द स्फीयर ने हाल ही में सिर्फ इसलिए क्रिटिसिज्म झेला है क्योंकि इस स्ट्रक्चर में मिलियंस ऑफ LEDs लगी हैं, जो कि काफी ज्यादा लाइट एमिट करती हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ काफी लाइट पोल्यूशन होता है, बल्कि रात के टाइम पर आसपास के रोड पर लोगों को ड्राइव करने तक में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हालांकि इसके क्रिएटर्स ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर सेफ्टी मेजर पर काम करना तक शुरू कर दिया है। हालांकि एक चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि लास वेगास में मौजूद ये स्फीयर एक वर्क ऑफ आर्ट है और इंजीनियर्स की कड़ी मेहनत का नतीजा है, जो इसे दुनिया की सबसे अनूठी इमारत बनाता है। और आप $220 खर्च करके इस स्फीयर एट द वेनेटियन में कोई भी इवेंट अटेंड कर सकते हैं। हालांकि मेरे ओपिनियन के हिसाब से अगर ये स्फीयर दुनिया के और भी हिस्सों में बन गया तो शायद इसकी यूनिकनेस पर जरूर असर पड़ सकता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए।